तो भाई यहाँ पर ऑथो कैरेक्टर हमारी गेम के ऊपर आने वाले, तो क्या कुछ होने वाले इसके एबिलिटी, इसका एबिलिटी टेस्ट मैं करके बताऊंगा, साथ ही साथ क्या ये कैरेक्टर हमें फ्री में मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड क्या ये कैरेक्टर बेस्ट रहेगा, इसका स्किल क्या है, ए टू जेड बताने वाला हूँ, कैसे आप इस कैरेक्टर को यूज कर पाओगे, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं ओवरऑल बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक तरीके से देखोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि यार फिर आपको ए टू जेड पता चल जाएगा उस कैरेक्टर के रिलेटेड। सो हेलो गेमर्स, मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो डार्क शूटर गेमिंग का एक और फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो। चलो करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक को हम स्टार्ट। तो यार यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को यार हैप्पी दिवाली यानी कि दीपावली की शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे बंदे ने यार कमेंट में विश किया आज सुबह, तो यार आप सभी को दिल से थैंक यू यार आपके भाई को यार विश करने के लिए। एंड यार आप लोग भी सेफ दिवाली यहाँ पर एंजॉय करो, ज़्यादा पटाखे मत फोड़ो यार, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट को सेफ रखो। एंड ऐसे ही यार चारों तरफ यार हरियाली से क्या बोलते हैं लाइट से भर दो। और यार कैसा गुजरा आपका दिवाली, कहाँ कहाँ पर घूमने जा रहे हो या घर में ही हो, कमेंट करके बताना मत भूलना यार। मैं सोच रहा हूँ मैं बुया पर लाइव स्ट्रीम आता हूँ, तो आप लोग बुया पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोगों से बातें भी यहाँ पर हो मतलब होता है, और साथ ही साथ गेम प्ले भी आप लोग यहाँ पर देख पाते। तो बुया पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहाँ पर ये लाइव रात को सोच रहा हूँ आ जाऊँगा, तो और भी ज़्यादा बातें हो पाएगा आप सभी लोगों से, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे यार आप लोगों से ढेर सारा बातें हो पाता है आप लोगों का, मतलब डायरेक्ट बात होता है यार। वीडियो पर मैं बनाता हूँ, आप लोग कॉमेंट करते हो, इससे अच्छा ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो यार चलो अभी बात करते हैं हमारे मेन वीडियो की ओर। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, ऑथो जो कैरेक्टर है यहाँ पर लिखा है, ऑथो इज ए मेमोरी टेक इंजीनियर एट दिस पॉलीटेक यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पर आफ्टर एलिमिनेटिंग एन एनिमी द पोजीशन ऑफ अदर एनिमीज विद इन 25 मीटर जो है ये यार मतलब मैक्स लेवल अगर अभी यहाँ पर कर लोगे तो ये आपका 50 मीटर के रेंज तक हो जाएगा। एंड इसका जो मतलब अदर एनिमीज होगा जो लोकेशन पर होगा उसको यार आपके टीममेट्स को भी पता चल जाएगा कि जो अदर्स एनिमीज है वो यहाँ पर कहाँ होंगे, तो फटाफट इसको ये लेवल अप कर लेते हैं। एंड लेवल 6 पर यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया जो आपका मतलब मीटर का जो रेंज है वो रेंज यहाँ पर बढ़ता ही चला जाएगा, 25 से लेकर ये एकदम 50 तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर 50 मीटर के दायरे पर अगर किसी भी एनिमी को खत्म करते हो तो उसके आसपास उसका जो टीममेट्स है, एनिमी का जो टीममेट्स है या अदर कुछ एनिमीज है तो वे यार आपके टीममेट्स को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये है इसका स्किल, और ये पैसिव स्किल का कैरेक्टर है यानी कि किसी भी एक्टिव स्किल के कैरेक्टर के साथ इसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा जो ऑथो कैरेक्टर है वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली देखो क्लैश स्क्वाड पे तो आपको इस कैरेक्टर का उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो लोग क्लैश स्क्वाड खेलते हो बंदे यार आपको वैसे मिल जाते हैं, तो यहाँ पर रैंक मैच पर आप कह सकते हो काम पे आएगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन दिक्कत है, इसका जो रेंज है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। आप खुद यहाँ पर सोचो यार 50 मीटर यानी कि कितना यहाँ पर बड़ा रेंज होगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मारा गया एक बंदा, लेकिन उसका जो एनिमी है उसका यहाँ पर लोकेशन पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि वो 50 मीटर के रेंज से बहुत दूर था। तो जो वो मतलब आप किसी को अगर खत्म करोगे, जैसे सपोज यहाँ पर और एक एनिमी है इसको अगर आप खत्म करोगे तो इसके जो बाकी के टीममेट्स से देख सकते हो 50 मीटर के अंदर है, तो वो आपके टीममेट्स को मिनी मैप के अंदर पता चल जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे इस बंदे को जैसे खत्म किया, इसके जो बाकी के 3 टीममेट्स है उसका लोकेशन यहाँ पर मिनी मैप के अंदर जैसे आपको दिख रहा है आपके जो टीममेट्स है उसको भी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इसके जरिए यार बाकी की जो आपके टीममेट्स है जो एनिमी है उसको ईजी तरीके से यहाँ पर मार पाएंगे। तो बेसिकली यही है, पैसिव स्किल का कैरेक्टर है, किसी भी एक्टिव स्किल के कैरेक्टर के साथ इसको यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो अभी यार आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये जो है ये कितने टाइम तक रहता है, तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि ये कुछ सेकंड्स तक रहता है, ज्यादा आपको यहाँ पर मतलब देखने में आपको मतलब पता चल जाएगा कि एनिमी आपके मतलब 50 मिनट्स के अंदर कहाँ पर है, ठीक है। आई थिंक यार बहुत जोर यार 3 से 4 सेकंड तक रहता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रोहित भाई ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर क्या हमें फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये वाला जो कैरेक्टर है ये फ्री में मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा बुयाडे पे आपको एक कैरेक्टर यहाँ पर देखने के लिए मिला था जो कि हमारा लियोन कैरेक्टर।
तो यार अगर वो वाला कैरेक्टर हमें यहाँ पर फ्री में मिलता है बुयाडी के इवेंट में, तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि ये जो ऑथो कैरेक्टर है ये हमें यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिलेगा। आपको यार डायमंड देकर ये वाला कैरेक्टर लेना पड़ेगा। देखो यार ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ये पैसिव स्किल का कैरेक्टर सिर्फ आपको एनिमी का लोकेशन पता चलेगा। जैसे आप अगर आपने क्लू कैरेक्टर को यूज करा है तो कुछ उस मतलब इससे तो अच्छा मेरे को जो एक क्लू कैरेक्टर लगा क्योंकि वो भी आपके एनिमीज का जो लोकेशन है जो स्पिट करके बैठा हुआ है उसको पता चल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा यूज करते हो, क्योंकि देखो मैं तो हूँ ठहरा रस बंदा, ठीक है। जो रसर होते हैं उसको यार एनिमीज का लोकेशन का उतना फर्क होता नहीं है, एकदम कूद पड़ते हैं। अगर कहीं से भी एनिमी मार रहा है तो पीछे साइड ग्लूवर लगा लो। ऐसे बंदों के लिए यार आई थिंक ये कैरेक्टर उतना मतलब फायदा नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास वैसे ही कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं एंड यहाँ पर कैरेक्टर जो कैरेक्टर के मतलब क्या बोलते हैं कैरेक्टर स्किल स्लॉट वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसी मायने में ये कैरेक्टर यूज करना, इसको अगर आप डायमंड देकर लोगे तो मेरे ख्याल से यार कहीं ना कहीं पैसों का बर्बादी है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगे कि नहीं। मैंने कैरेक्टर का स्किल बता दिया, एबिलिटी दिखा दी आपको किस तरीके से काम करेगा किस तरीके से नहीं, बाकी आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है आप इसको लेने वाले हो या इग्नोर करने वाले हो। कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप इसको लेने वाले हो या इसको इग्नोर करने वाले हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाना था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या कुछ करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि आप लोग ऑलरेडी कर देते हो लेकिन इस बार हद से ज्यादा कर देना। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर से यार दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टाटा।